السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. सदर अंजुमन हकम साहिबान मुशरिक व मुरब्बी असातिज़ा इकराम और मेरे सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है सलाफियत का मतलब। सामईन इकराम, हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि सलाफी, सलफ या सलाफियत, सीन पर जबर, लाम पर जबर। शेख इमाम सनानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये वर्ड इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बाद आया है, हालांकि ऐसी बात नहीं। और इमाम सनानी रहमतुल्लाह या इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के पहले के दौर के आलिम हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, किताबुल अंसाब। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ निस्बतों पर बहस की गई है कि इस निस्बत का माना क्या है, उस निस्बत का माना क्या है। तो उन्होंने कहा कि सीन पर जबर, लाम पर जबर, इसको कहते हैं सलफ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबीन, तबे ताबीन, इस खैरुल कुरून की जमात में जो अइमाए दीन थे, जो नेक लोग थे, इनको सलाफी कहकर इनकी तरफ निस्बत की जाती है। मेरे दोस्तों, इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों ने दो रास्ते अपनाए, एक रास्ता सलाफियत का रास्ता और एक रास्ता खल्फियत का रास्ता। जब आप सलाफियत कहते हैं तो लाम पर जबर लगाए, और जब आप खल्फियत कहते हैं तो लाम पर जज्म लगाए। सलाफियत इसके मुकाबले में होता है खल्फियत। कुरान मजीद में ये वर्ड बुरे लोगों के लिए आए हैं, फला फमिन बादिहिम खल्फुन, कुरान में कहा बुरे लोग। सामईन इकराम, इमाम बुखारी के जमाने में एक आलिम थे, तकरीबन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के 400 साल पहले के। उन्होंने एक किताब लिखी है लवामियुल अनवार, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 20 पर लिखा हुआ है कि सलाफी क्या कह रहे हैं। उसके अंदर देखिए पॉइंट है, इस्लाम को समझने के लिए पॉइंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबीन, तबे ताबीन और अइमाए दीन, सारे इमाम, चाहे वो फिक्र के चारों इमाम हो या मुहद्दिसीन के इमामों की टीम हो, ये जो अइमाए दीन है, इस रास्ते पर चलते हुए जिन लोगों ने भी इस्लाम को समझा है, ये लोग सलफ के रास्ते पर हैं। और उस जमाने में उठने वाले फिरके खवारिज, जहमिया, कर्रामिया, कादरिया, मुतजिला और मुर्जिया, ये जो भटकने वाले फिरके हैं, उस जमाने में इनके तरीके पर जिन्होंने भी इस्लाम को समझा है, वो खल्फियत, गलत रास्ता है। गोया के मुसलमानों ने इस्लाम को समझने के लिए दो रास्ते अपनाए, एक रास्ता खल्फियत का गलत रास्ता, दूसरा रास्ता सलाफियत का सही रास्ता। और ये एक ही रास्ता है, और भटकने वाले जो खल्फी रास्ते हैं वो आखिर में जाकर 72 फिरके में बढ़ जाते हैं। सामईन इकराम, अब इनके बाद आए शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा। शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल कुरान व सुन्नत बिफहमि सलाफी हाजिल उम्मा, कुरान और हदीस को वैसे ही समझना जैसा कि सलफ ने समझा है। अब इनके बाद आया शेख इब्न हुसैन रहमतुल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा। शेख इब्न हुसैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इल्मी तौर पर, नॉलेज के तौर पर, अमली तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर, फहम के तौर पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, तस्दीक के तौर पर, इंप्लीमेंटेशन के एतबार से जो सलफ का रास्ता है इस्लाम को समझने के लिए अपनाता है, उस गिरोह को कहा जाता है सलफ। शेख इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल अकीदतु सहीहा व मा युज़ादुहा, सही अकीदा सलफ का अकीदा है, जो भी इससे टकरा जाए वो गलत रास्ता, गलत अकीदा है। सामईन इकराम, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह को मदीना मुनव्वरा में एक तालिब इल्म ने सवाल किया था, तो उनके जवाब में शेख ने फरमाया कि हमने सलाफियत को अपना लिया है और परख के देख भी लिए, हमने ये आजमाया हुआ नुस्खा है। ये सलाफ में हम जितने भी उलूम पढ़ते हैं तो सबसे सिक्योर रास्ता है, सबसे सही रास्ता है इस्लाम को समझने का,
जन्नत में ले जाने का सबसे सही रास्ता है सलाफियत का रास्ता। और दुनियावी एतबार से देख ले, पहले सऊदी अरब में शिर्क था, अब शिर्क से पाक। पहले सऊदी अरब में बिदातें थी, जब से सलाफियत आई तब से बिदात से पाक। ये उस वक्त हुआ जब से इस कौम ने सलाफियत को अपना लिया है। शेख सालेह उल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि अब हम किसी और नुस्खे को तजर्बा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। सामीन इकराम, फिर एक किताब है शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल हमीद अलासारी की, उसके ऊपर 17 उलमा इकराम की साइन है। शेख सऊद अस-सुलैम, शेख सालेह उल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, शेख इमाम इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, फिर वक्त के सऊदी अरब के सबसे टॉप मुहक्किकीन ने उन सब ने साइन करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबीन, तबे ताबीन और आइमाए दीन ने जो रास्ते अपनाए उस रास्ते का नाम है सलाफियत। अब उनका रास्ता क्या था? उनका रास्ता यह था कि कुरान और सुन्नत की बात कहा जाए, कुरान और सुन्नत की बात आ जाए तो अपनी बात को छोड़ देना और कुरान और सुन्नत की बात को मान लेना। यह था उनका रास्ता, यह था उनका अकीदा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को हमारे असलाफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा मुताला करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।